रिस्क लेने से डरो मत, लेकिन उतना ही रिस्क लो जितना अफोर्ड कर सकते हो, ताकि दूसरा रिस्क लेने की जगह बची रहे। ये लाइन राकेश झुनझुनवाला कहा करते थे। सफलता असफलता को लेकर उनका यही फंडा था। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशकों में से एक राकेश झुनझुनवाला का 14 अगस्त 2022 को निधन हो गया। वे 62 साल के थे। हाल ही में उन्होंने अकासा एयरलाइंस की शुरुआत कर एविएशन सेक्टर में कदम रखा था। इसी महीने एयरलाइन ने अपनी पहली उड़ान भी भरी थी। झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बुफे भी कहा जाता था। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक वे भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनकी कुल संपत्ति 43,000 करोड़ रुपए की थी। अकासा एयरलाइन को पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के कुछ दिन पहले ही राकेश झुनझुनवाला अपनी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे। पीएम से मुलाकात की उनकी तस्वीर की खूब चर्चा हुई थी। किसी ने तस्वीर में प्रधानमंत्री के खड़े रहने और किसी ने राकेश झुनझुनवाला की शर्ट को लेकर सवाल किए थे। तस्वीर में उनकी शर्ट मुड़ी हुई नजर आ रही थी। हालांकि बाद में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने बताया था, सच तो यह है कि वो शर्ट ही ऐसी थी, मैंने इस्त्री कराई थी 600 रुपए लगाकर, इसके बाद भी उसमें सिलवटें पड़ गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ऑफिस भी शॉर्ट्स पहनकर जाता हूँ। राकेश झुनझुनवाला ने उसी कॉन्क्लेव के दौरान ये भी कहा था कि वे शेयर मार्केट की ट्रेडिंग से रिटायर होने के बाद स्विमिंग करना चाहते हैं, डांस सीखना चाहते हैं और अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहते हैं। बताया जाता है कि वे नियमित रूप से योग भी करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान राकेश झुनझुनवाला ने कहा था, हूं तो मैं एक सीनियर ऑफिसर का बेटा, लेकिन मारवाड़ी अग्रवाल हूं। 5 जुलाई 1960 को एक मारवाड़ी फैमिली में जन्मे राकेश झुनझुनवाला के पिता IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में ऑफिसर थे। लेकिन राकेश के पिता को राजनीति नहीं, शेयर मार्केट का शौक था। लेकिन इतना ही नहीं, सब कुछ दांव पर लगा दे, बस वो शेयर मार्केट की खबरों से हमेशा अपडेटेड रहा करते थे। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया करते थे कि कौन सा शेयर ऊपर चढ़ा, कौन सा नीचे गिरा। इनकी बातें सुनकर राकेश पर भी शेयर मार्केट का भूत सवार हो गया। तब कुछ भी ऑनलाइन तो होता नहीं था, शेयर्स के भाव अगले दिन अखबार में लिखे आते थे। ये 12 साल का लड़का रोज पेपर में शेयर्स के भाव देखता। पापा ने उसके इस शौक को देखकर कहा कि तुम कल के भाव प्रिडिक्ट करो, लड़के की भविष्यवाणियां सही रहती या गलत ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उसका शौक बढ़ता चला गया। वो शेयर और उनकी कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ने और फॉलो करने लगा। एक दिन पिता से कहा कि मैं शेयर मार्केट में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता काफ़ी डेमोक्रेटिक थे, लेकिन फिर भी उनके पिता ने उन्हें शेयर मार्केट में अपना करियर बनाने से पहले कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेने की सलाह दी थी। साथ ही उस वक्त ट्रेडिंग करने के लिए मना कर दिया था। दोस्तों से पैसे उधार लेकर न करने लग जाए, इसीलिए दोस्तों को भी उधार देने से मना कर दिया था। चाल काम आई, बेटे ने अपने बड़े भाई की तरह ही CA का कोर्स किया और फिर पिताजी बोले, यहाँ मुंबई में हमारा घर है तो तुम्हें रहने की दिक्कत होगी नहीं, हालांकि पैसा मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। 1985 का साल, बेटा राकेश दलाल स्ट्रीट में अकेला, ना कोई जॉब ना कोई क्लाइंट। अपने भाई से संपर्क किया, भाई ने अपने क्लाइंट्स में से कुछ को राकेश से कनेक्ट करवाया। राकेश इन क्लाइंट से बोले, मैं 18% रिटर्न दूंगा, जबकि अच्छे से जानते थे कि अच्छी से अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम भी 10-12% रिटर्न नहीं देती। पर फिर भी कोई नए घोड़े पर दाव क्यों ही लगाएगा। खैर, एक लेडी क्लाइंट मिली, 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार थी, लेकिन एक मुश्त नहीं। फिर अगला क्लाइंट मिला, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने थे उसके। इस 10 लाख रुपए से राकेश झुनझुनवाला ने सिर्फ एक साल में 30 लाख बना डाले और यहीं से उनकी गाड़ी चल पड़ी। राकेश झुनझुनवाला 1990 का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताते हैं। उनकी पत्नी रेखा ने उनसे कभी किसी चीज की मांग नहीं रखी, बस पिछले कुछ सालों से चाह रही थी कि उनके कमरे में AC लग जाए। इस साल मधुदनवट्टे का बजट था, लोगों को लगा कि अच्छा नहीं होगा, पर राकेश झुनझुनवाला को इससे अलग लग रहा था। उन्होंने तत्कालीन PM VP सिंह के निर्णयों को भी क्लोजली ऑब्जर्व किया था। 3 करोड़ रुपए थे उनके पास, बजट वाले दिन सारे मार्केट में लगा डाले। जैसे जैसे बजट आता रहा, राकेश के पैसे बढ़ते रहे। रात के 9 बजे नेटवर्थ देखी तो पता चला आंटी में 20 करोड़ रुपए आ चुके थे। रात को 2 बजे घर पहुंचे और अपनी पत्नी रेखा से बोले, अपना AC आ गया। ऐसा नहीं है कि उनके पैसे हमेशा बढ़ते ही रहे, ऐसा भी नहीं है कि उन्हें सिर्फ सफलताएं ही हाथ लगी। वो खुद कहते हैं, मैंने बहुत बार शेयर्स बेचे हैं सिर्फ नुकसान भरने के लिए। 2012 में जब उन्होंने एप्टेक में अपनी हिस्सेदारी बेचनी चाही तो अंतिम समय में डील कैंसिल हो गई थी। ऐसे ही A2Z कंपनी में भी उन्हें 150 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा था। साल 2011 में उनकी नेट वर्थ
30% कम हो गई थी। हालांकि उन्होंने पूरे रुपए अगले साल के खत्म होते होते रिकवर भी कर लिए थे। साल 2020 में फिर से उनको बड़ा घाटा हुआ। लेकिन इतने सेटबैक्स जेल चुकने के बाद राकेश झुंझुनवाला शेयर मार्केट के बिग बुल कहे जाते रहे। शेयर्स की खरीद फरोख्त करके उनको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर करके कई कंपनियों में निर्णायक भूमिका में वो आ गए थे। एपटेक लिमिटेड और हंगामा डिजिटल मीडिया लिमिटेड के चेयरमैन भी राकेश बने। राकेश झुंझुनवाला कुछ बढ़िया इन्वेस्टमेंट टिप्स भी गाहे बगाहे देते थे। उनमें से कुछ ऐसी टिप्स थी, अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो म्यूचुअल फंड के रास्ते शेयर में इन्वेस्ट करो। हाँ, अगर खेलना ही है तो 5% कैपिटल से जुआ खेलो, बाकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, या फिर फुल टाइम इन्वेस्टर बन जाओ, स्टडी करो। दूसरा, टिप्स इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे खतरनाक है। मैंने क्या लिया या किसी बड़े इन्वेस्टर ने क्या लिया, ये सब अव्वल तो अफवाहें होती हैं, और अगर सही भी हैं तो भी मेरे इन शेयर्स को बेचने पर मैं इसकी जानकारी आपको देने थोड़ी ना आऊँगा। तीसरा, केवल इन्वेस्ट ही नहीं करना, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लगातार रिव्यू भी करते रहना चाहिए। अगला, 6 महीने में पैसे दुगने, 1 साल में 4 गुने हो जाने की ना उम्मीद रखिए, ना ही ऐसी उम्मीद दिलाने वालों के झांसे में फंसिए। अगर ऐसी उम्मीद है तो शेयर मार्केट नहीं घोड़ों की रेस में पैसा लगाइए। इसी लालच के चलते कोई भी कुछ समझाता है कर लेते हैं। सच्चाई ये है कि 18 से 20% से ज़्यादा रिटर्न आना मुश्किल है। एक और सलाह थी कि मैंने शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी जो सीखना है वो उससे भी कहीं कहीं ज़्यादा है। अगला, ये किसी को फॉलो करके आप शेयर मार्केट नहीं सीख सकते। राकेश झुंझुनवाला की ये प्रोफाइल ललन टॉप के हमारे पुराने साथी दर्पण जी ने जनवरी 2021 में लिखी थी। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।